फ्रेंड्स, वेलकम टू माय ओरिजिनल एडुकेशन यूट्यूब चैनल। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ रीजनिंग में मिसिंग नंबर अपनी इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, जो कि रीजनिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके आने वाले सभी एसएससी के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो कैंडिडेट्स, आज मैं अपनी इस वीडियो में आपके साथ जो मिसिंग नंबर शेयर करने वाली हूँ वो ट्रायंगल शेप में है। ट्रायंगल शेप में किस तरह से आपको एग्जामिनर आपके सामने ऑनलाइन एग्जाम में पैटर्न को सामने शो करता है, किस तरह से ये पैटर्न सॉल्व किया जाता है बस कुछ ही सेकंड्स में, किस तरह से लॉजिक लगाया जाता है, किस तरह से मेथड आपके यूज़ होते हैं, आज मैं अपनी इस वीडियो में वही शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर एंड तक पूरी देखिएगा ताकि आपको समझ में आ जाए कि ट्रायंगल शेप में जिस तरह से आपसे मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं उनको बस कुछ ही सेकेंड में किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर दबा देना, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुँच जाए, आप मेरी कोई भी नई वीडियो मिस ना कर पाए। एंड वीडियो को भी इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए ताकि बाकी कैंडिडेट्स को भी मेरी इस वीडियो से हेल्प मिल सके। नाउ लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। फर्स्ट ऑफ ऑल कैंडिडेट्स, मैं आपसे ये कहना चाहती हूँ कि आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए, क्योंकि 2020 में एमटीएस के कोई भी एग्ज़ाम कंडक्ट नहीं करवाया गया था, ये बात सभी कैंडिडेट्स को पता है, आई नो कैंडिडेट्स। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप प्रिपरेशन को रेगुलर नहीं रखेंगे, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे एंड अपने एग्ज़ाम को बीच में छोड़ देंगे। अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बीच में नहीं छोड़ना है, आप प्रिपरेशन अपनी चालू रखिए कैंडिडेट्स। अभी एसएससी स्टेनोग्राफर की भी वैकेंसीज आउट हो चुकी हैं एंड उसमें भी रीजनिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एंड उसके बाद आने वाले दिनों में आपके एसएससी की और भी वैकेंसीज आउट होंगी, उसमें भी आपके रीजनिंग का सेक्शन स्कोरिंग होगा तो आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। रीजनिंग में मिसिंग नंबर, आज मैं जो अपनी इस वीडियो में आपके साथ मेथड शेयर करने वाली हूँ वो है ट्रायंगल शेप में। ट्रायंगल शेप में आपसे मिसिंग नंबर पूछे जाते हैं, किस तरह से ये मिसिंग नंबर आपके सामने एग्जामिनर शो करता है ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। लेकिन अगर इनका लॉजिक आपको पता है तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे। यहाँ पर तीन ट्रायंगल मेंशन किए गए हैं कैंडिडेट्स एंड मैं आपसे कहना चाहती हूँ कैंडिडेट्स, ये जो मिसिंग नंबर के ट्रायंगल होते हैं, फर्स्ट वाला, सेकंड वाला एंड थर्ड वाला, इनमें जो भी आप लॉजिक लगाते हैं वो सेम होना चाहिए। यानी कि जो भी कैलकुलेशन आप फर्स्ट वाले में करते हैं वही कैलकुलेशन आप सेकंड वाले में करेंगे एंड वही कैलकुलेशन आप थर्ड वाले में करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप यहाँ पर डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं तो मल्टीप्लिकेशन सेकंड वाले ट्रायंगल में भी होगा एंड मल्टीप्लिकेशन थर्ड वाले ट्रायंगल में भी होगा। ऐसा नहीं होगा कि ये फर्स्ट वाले ट्रायंगल में आप मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सेकंड वाले में आप माइनस करेंगे एंड थर्ड वाले में आप प्लस करेंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। जो मेथड आप फर्स्ट वाले में लगाएंगे वो सारी फिगर्स में आपको वही सेम मेथड लगाना है। यहाँ पर जो ये ट्रायंगल शेप में आपको यहाँ पर बाहर भी डिजिट दी गई हैं एंड अंदर भी डिजिट दी गई हैं, किस तरह से इनको सॉल्व किया जाता है कैंडिडेट्स, मोस्टली जो ये क्वेश्चन बनते हैं ट्रायंगल शेप में, इनमें आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि जो बाहर की डिजिट होती हैं 4, 3 एंड 2 एंड सेकेंड वाले ट्राइंगल में 5, 2 एंड 4 एंड थर्ड वाले ट्राइंगल में 5, 3 एंड 3, इनका ही आपस में कोई रिलेशन होता है तभी अंदर वाली जो डिजिट है आपकी वो बनती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी बाहर आपको डिजिट्स दी गई हैं उनका कोई ना कोई रिलेशन होगा, कोई ना कोई कैलकुलेशन होगा, तभी आपकी अंदर वाली डिजिट बनेगी। तो यहाँ जो थर्ड आपको दिया गया है ये एम्प्टी है, यानी कि यहाँ पर खाली क्वेश्चन मार्क है। तीन ऑप्शन में से आपको चूज़ करना है यहाँ पर ट्रायंगल के अंदर कौन सी डिजिट आएगी थर्ड वाले ट्रायंगल में। तो इसके लिए आपको फर्स्ट वाले ट्रायंगल को बहुत ही ज़्यादा ध्यान से ऑब्जर्व करना होगा एंड इसको लॉजिक को आपको अपने माइंड में खुद ही क्लिक करना होगा। फॉर एग्जांपल, मैं आपको बताना चाहती हूँ कैंडिडेट्स, यहाँ पर 4 लिखा हुआ है, 3 लिखा हुआ है एंड 2 लिखा हुआ है। जब आपके माइंड में ये डिजिट्स आएंगी, आपके माइंड में लॉजिक क्रिएट होगा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो यही होगा कि हम प्लस कर इनको सॉल्व कर लेते हैं। लेकिन जब आप प्लस करेंगे, 4 + 3 + 2 होता है 9, तो अंदर वाली डिजिट यानी कि 24 है बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, प्लस से नहीं होगा। जब बाहर वाली डिजिट छोटी छोटी हैं तो अंदर वाली डिजिट जो है वो बड़ी है, इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन ही हो रहा है। तो यहाँ पर 4 × 3 × 2 जब आप करेंगे, 4 × 3 12
12 मल्टीप्लाई 2 होता है आपका 24, जो कि यहाँ पर आपको 24 अंदर मेंशन किया गया है। इसी तरह से हम सेकंड वाले को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेकंड वाले ट्रायंगल में आपको मेंशन किया गया है 5 मल्टीप्लाई 2 एंड मल्टीप्लाई 4, 5 टू जै 10 होता है एंड 10 मल्टीप्लाई 4 आपका 40 होता है। इसी तरह से ये 40 जो है अंदर आपका मेंशन किया गया है, यानी बाहर वाली डिजिट का जो भी रिलेशन होता है वो रिलेशन आपस में होता है, वो कैलकुलेशन आपस में होती है, उसी से अंदर वाली डिजिट आपकी बनती है। यहाँ पर भी आपको थर्ड वाले ट्रायंगल में आपको फर्स्ट एंड सेकंड ट्रायंगल को देखकर समझ में आ गया होगा कि मल्टीप्लिकेशन का रूल यहाँ पर लग रहा है, तो इसमें भी आप मल्टीप्लिकेशन का ही रूल लगाएंगे, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा एंड यहाँ पर भी मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई 3 एंड मल्टीप्लाई 3, यानी 5 3 जब 15, 15 मल्टीप्लाई 3 आप जब करेंगे तो 45 आएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। आई जस्ट होप ये वाला आंसर आपको क्लियर होगा, यहाँ पर 45 आएगा ट्राइंगल के अंदर, थर्ड वाले ट्राइंगल के अंदर जो डिजिट आएगी वो 45 आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं ताकि आपको और भी ज़्यादा लॉजिक क्लियर हो जाए एंड इन इस वीडियो को देखने के बाद आप जब भी ऐसे पैटर्न की तैयारी करेंगे तो आपके माइंड में लॉजिक फटाफट क्लियर होंगे, आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। यहाँ पर सेकेंड वाला जो क्वेश्चन मेंशन किया गया है इसमें भी यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है बाहर 2 है, 3 है एंड 5 है। इसी प्रकार से आप सेकेंड वाले ट्रायंगल में देखेंगे 6 है, 7 है, लेकिन यहाँ पर कोई डिजिट मेंशन नहीं है, यानी कि इन दोनों का ही जो आपस में रिलेशन है वही यहाँ पर आएगा एंड इन दोनों का जो रिलेशन है उसी से ये 21 बना है एंड 2 एंड 3 का जो रिलेशन है उसी से ये 5 बना है। तो किस तरह से ये रिलेशन को आपको फाइंड आउट करना है, ये छोटे छोटे नंबर है कैंडिडेट्स, इनको आप देखकर भी समझ जाएंगे। 2 + 3 जो होता है आपका 5 होता है, 6 + 7 जो होता है आपका 13 होता है, 6 + 7 एंड 10 + 11 जो होता है आपका वो 21 होता है। बहुत ही ज़्यादा ईजिली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। इसका एक सेकेंड मेथड भी है, अगर आपके माइंड में प्लस नहीं क्लिक कर रहा है, प्लस वाला लॉजिक नहीं क्लिक कर रहा है, तो आप 2 की स्क्वायर कर देख सकते हैं एंड 3 की स्क्वायर कर देख सकते हैं। 2 की स्क्वायर होता है 4 एंड 3 की स्क्वायर होता है आपका 9। जब आप 4 एंड 9 को माइनस करेंगे, आपस में इसको माइनस करेंगे, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 5, जो कि यहाँ पर मेंशन किया गया फर्स्ट वाले ट्रायंगल में ये रहा। इसी प्रकार से हम सेकंड वाले को भी स्क्वायर की मदद से हम सॉल्व कर सकते हैं। 6 की स्क्वायर आपका होता है 36 एंड माइनस करके हम दे चेकआउट कर सकते हैं। 7 की स्क्वायर आपका होता है 49, तो जो जब माइनस करेंगे आप तो आपका 13 आएगा। इसी प्रकार से 10 की स्क्वायर होता है आपका 100 एंड माइनस 11 की स्क्वायर जब आप करेंगे तो 121, जो आंसर आएगा वो आपका 21 ही आएगा माइनस करने पर। तो इसी प्रकार से जो आपका आंसर होगा वो होगा 13, जो कि है ऑप्शन नंबर 3। ये रहा कैंडिडेट्स ऑप्शन नंबर 13 जो कि यहाँ पर आएगा। आई जस्ट होप ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने सारे यहाँ पर जो भी पैटर्न लिए हैं, जितने भी क्वेश्चंस लिए हैं कैंडिडेट्स, वो सारे ट्रायंगल शेप में ही है, लेकिन उनमें मेथड अलग अलग है ताकि आपके माइंड में सारे मेथड्स क्लिक होने लगे। यहाँ पर जो थर्ड ट्रायंगल मेंशन किया गया है वो है यहाँ पर बाहर की डिजिट है 2, 5 एंड 7 एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं ईजिली यहाँ पर अंदर भी डिजिट मेंशन की गई है एंड थर्ड वाले ट्रायंगल में भी अंदर डिजिट मेंशन की गई है, लेकिन फर्स्ट वाले में नहीं की गई, जो कि हमको फाइंड आउट खुद ही करनी है। तो मैंने जैसा कि आपको बताया था कैंडिडेट्स की मोस्टली जो कैलकुलेशन होती है वो बाहर के नंबर से ही होती है, यहाँ पर इन नंबर्स को ही आपको कुछ भी कैलकुलेट करना होगा, लॉजिक आपके माइंड में फटाफट क्लिक होना चाहिए। यहाँ पर हम चेकआउट कर लेते हैं, 3 + 6 + 4 अगर हम करेंगे तो ये तो 13 आएगा, जो कि बहुत छोटी संख्या है, लेकिन अंदर 61 है जो कि बहुत बड़ी संख्या है। मल्टीप्लाई जब आप करेंगे इसको मल्टीप्लाई करने का भी आपको लॉजिक यहाँ पर हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके, 3 + 6 + 4, तो
यहाँ पर जब आप करेंगे 4 3 12 एंड 12 6 जाए यहाँ पर आएगा आपका 72, लेकिन अंदर 72 नहीं है, 61 है, तो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला लॉजिक भी यहाँ पर नहीं लगेगा। तो यहाँ पर कौन सा रूल लगेगा आप स्क्वायर करके देख सकते हैं, लेकिन अगर आप क्यूब रूट करेंगे, सबकी क्यूब लगाएंगे, 3 की क्यूब 6 की क्यूब एंड 4 की क्यूब, तो बहुत ही ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। क्यूब्स आपको नहीं लगानी है अभी, अभी आप स्क्वायर लगाकर चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर 3 की स्क्वायर 6 की स्क्वायर एंड 4 की स्क्वायर, 6 की स्क्वायर आपका होता है 36, 4 की स्क्वायर होता है आपका 16 एंड 3 की स्क्वायर आता है आपका 9। जब आप इसको आपस में प्लस करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 9 होता है आपका 21, 2 यहाँ पर कैरी एंड 3 प्लस 2 प्लस 1 होता है आपका 6, जो कि है आपका सही यहाँ पर डिजिट। इसी तरह से आप सेकंड को भी चेक कर सकते हैं, 4 की स्क्वायर प्लस 3 की स्क्वायर प्लस 2 की स्क्वायर 16 प्लस 9 प्लस 4, तो यहाँ पर जो आंसर आएगा आपका 9 प्लस 6 होता है 15 प्लस 4 होता है 9, यहाँ 1 कैरी एंड 29, जो कि है आपका सही ऑप्शन। इसी प्रकार से आप फर्स्ट वाले, जब आपको पता चल गया कि सेकंड एंड थर्ड में कौन सा मेथड लग रहा है, वही मेथड, सेम मेथड, सेम लॉजिक आप फर्स्ट वाले ट्रायंगल में भी लगाएंगे एंड आपको ऑप्शन मिल जाएगा। 5 की स्क्वायर होता है 25, 7 की स्क्वायर होता है 49 एंड 2 की स्क्वायर होता है 4। जब आप इन सभी को आपस में प्लस करेंगे तो 9 प्लस 5 होता है 14, 14 प्लस 4 होता है 18 एंड यहाँ पर 4 प्लस 2 प्लस 1 होता है आपका 7, तो ऑप्शन नंबर 78 हमारा सेकंड ऑप्शन है, जो कि बिल्कुल करेक्ट है एंड इसमें 78 ही आएगा। इस प्रकार से लॉजिक आपके माइंड में फटाफट क्लियर होने चाहिए एसएससी के एग्ज़ाम्स में। कैंडिडेट्स, फोर्थ ही मैंने यहाँ पर जो ट्रायंगल शेप में आपको मेंशन किया है वो है, यहाँ पर बहुत ही इजी है, आपको नंबर्स को देखकर ही पता चल जाएगा कि यहाँ पर कौन सा लॉजिक लगाया गया है। जो यहाँ पर नंबर मेंशन किए गए हैं कैंडिडेट्स, वो बहुत ही ज़्यादा इजी है। यहाँ पर 7, 2, 4, जैसा कि मैंने आपको बताया, बाहर के डिजिट्स का ही कोई रिलेशन होता है तभी अंदर की डिजिट्स बनती हैं। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट वाले को चेकआउट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो एम्प्टी है, उसको तो हमें खुद फाइंड आउट करना है। सेकंड वाले को आप चेकआउट कर सकते हैं किस तरह से सेकेंड वाला है। यहाँ पर 3, 8 एंड 5 मेंशन किया गया है, लेकिन अंदर भी हम देख सकते हैं कि 5 भी है, 3 भी है, 8 भी है, यानी कि जो संख्या बाहर दी गई है, जो डिजिट्स बाहर दी गई हैं, वो डिजिट अंदर भी दी गई हैं। तो कौन सा लॉजिक यहाँ पर लग रहा है कैंडिडेट्स, हम चेकआउट कर सकते हैं। 5 तो हमारा ये रहा, 3 हमारा ये रहा एंड 8 हमारा ये रहा, तो यानी कि 5 के लेफ्ट हैंड साइड से आपकी लाइन स्टार्ट हो रही है, 8 पर क्लोज़ हो रही है, 5 3 8। क्या हमारा ये लॉजिक सही बैठा है, हम थर्ड वाले ट्रायंगल को भी चेकआउट कर देख सकते हैं। 8 से हमारी लाइन स्टार्ट हो रही थी एंड 6 पर क्लोज़ हो रही थी, 8 2 6। यस कैंडिडेट्स, यही लॉजिक है, जब बाहर के डिजिट्स एंड अंदर के डिजिट्स वाले सेम नंबर हैं तो वही लॉजिक होगा। यहाँ पर भी हम फर्स्ट वाला, हम हमको समझ में आ गया, 4 से यानी कि नीचे वाले नंबर से लाइन स्टार्ट होगी लेफ्ट हैंड साइड से एंड 2 पर क्लोज़ हो जाएगी, यानी कि 4 7 2, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका सही ऑप्शन है। यहाँ पर आपका आएगा 4 7 2, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में आपको 2 4 7 दिया गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। 2 4 7 2 से स्टार्ट हो रही है, 7 पर क्लोज़ हो रही है एंड ऑप्शन नंबर थर्ड में 7 से स्टार्ट हो रही है, 7 2 4 एंड 4 पर ख़त्म हो रही है लाइन, तो ये भी बिल्कुल गलत है। ऑप्शंस आपको बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूजिंग दिए गए हैं यहाँ पर, जिससे कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन कंफ्यूज नहीं हो रहा है। 4 से स्टार्ट हो रही है, 2 पर ख़त्म हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सेकेंड ही आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पर मेंशन किया गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ईजी है एंड फटाफट आपको देखकर ही समझ में आ रहा होगा कैंडिडेट्स कौन सा लॉजिक लगाया गया है। यहाँ पर 2 मेंशन किया गया है, यहाँ पर 8 मेंशन किया गया है एंड यहाँ पर 4 मेंशन किया गया है। सेकंड वाले ट्रायंगल में 4 मेंशन किया गया है एंड यहाँ पर भी 4 मेंशन किया गया, बाहर 16 मेंशन किया गया। थर्ड वाले ट्रायंगल में बाहर डिजिट है लेकिन अंदर एम्प्टी है, हमको खुद फाइंड आउट करना है। इसमें जब आप लॉजिक लगाएंगे कैंडिडेट्स, मैंने आपसे पहले भी कहा है कि मोस्टली बाहर वाली जो डिजिट है उनका ही आपस में कोई
रिलेशन होता है। तो यहाँ पर 2 और 8 को जब आप किसी भी तरह से रिलेट करेंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 + 8 करेंगे तो 10 आएगा, जो कि आपका रॉन्ग हो जाएगा, अंदर 4 है। 2 - 8 करेंगे तो आपका 6 आ जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग है, अंदर 4 है। 2 × 8 करेंगे तो आपका 16 आ जाएगा, जो कि आपका रॉन्ग है, अंदर 4 है। प्लस करके आपने चेकआउट कर लिया, माइनस करके आपने चेकआउट कर लिया, मल्टीप्लिकेशन का भी रूल आपने अप्लाई कर लिया, फिर भी आपका आंसर नहीं निकला है, तो बचा एक रूल। यहाँ पर स्क्वायर रूट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है कैंडिडेट्स, क्योंकि छोटी छोटी संख्या है, अंदर भी छोटी संख्या है, बाहर भी छोटी संख्या है। तो यहाँ पर आपको नीचे वाली संख्या को इस तरह से 8 लिखना है, एंड बाहर वाली जो संख्या है उसको अपॉन में 2 लिखना है, इसका आपस में डिवाइड करना है, तो आपका आएगा 4, जो कि अंदर मेंशन किया गया है। इसी प्रकार से हम सेकंड वाली डिजिट को भी चेकआउट कर लेते हैं, जो सेकंड ट्रायंगल में जो डिजिट मेंशन की गई है, बाहर वाली जो नीचे वाली डिजिट है उसको ऊपर रखा गया है 16, एंड बाहर वाली जो सेकेंड नंबर वाली डिजिट है उसको नीचे रखा गया है 4, इनका आपस में डिवाइड कर दिया है, तो आपका आंसर आएगा 4, जो कि है बिल्कुल करेक्ट। इसी प्रकार से हम थर्ड वाले ट्रायंगल को भी सॉल्व कर लेंगे। थर्ड वाले ट्रायंगल में भी जो आपका 75 है उसको यहाँ पर रखा गया है, एंड जो ये 5 है बाहर, उसको भी बाहर रखा गया है डिवाइड में, एंड इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो आपका आएगा 15। 5 के टेबल में 75 15 पर आता है, जो कि है आपका सही ऑप्शन नंबर फर्स्ट। यहाँ पर 75 आएगा। बाहर की जो कैलकुलेशन होती है, उन्हीं की कैलकुलेशन के बाद ही आपकी अंदर वाली डिजिट बनती है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। मोस्टली क्वेश्चंस इसी तरह से बनते हैं, जो बाहर की डिजिट है उनका ही आपस में कोई कैलकुलेशन होता है। आई जस्ट होप ये सारे पैटर्न आपको क्लियर होंगे, ट्रायंगल शेप में मिसिंग नंबर किस तरह से आपसे पूछी जाती है, एंड किस तरह से आपको कंफ्यूज किया जाता है। लेकिन आपको कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है कैंडिडेट्स, आपको इन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है, ताकि ये लॉजिक आपके माइंड में बस कुछ ही सेकेंड्स में क्लिक हो पाए। मोर एंड मोर प्रैक्टिस कीजिए इन क्वेश्चंस की, ताकि आपके माइंड में अच्छे से क्लिक हो पाए, आप इन क्वेश्चंस को कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर पाएंगे। मेरे चैनल पर रीजनिंग से रिलेटेड वीडियोस अपलोडेड है, आप मेरे चैनल पर विजिट कीजिए एंड ओरिजिनल एडुकेशन चैनल पर विजिट कीजिए। मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, टॉप मोस्ट रीजनिंग में जब आप क्लिक करेंगे कैंडिडेट्स, तो आपके सामने रीजनिंग की सारी वीडियोज़ ओपन हो जाएंगी। उन वीडियोज़ का आप देखिए, बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल वीडियोज़ हैं, एंड आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। तो आई जस्ट होप मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट यूजफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।